ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आईएनएक्स मीडिया केस में कथित भ्रष्टाचार के मामले में नीति आयोग के पूर्व सीईओ सिंधु श्री खुल्लर और चार पूर्व अफसरों पर गाज गिर सकती है। सीबीसी ने इनके खिलाफ जांच करने को कहा है। सीबीसी के हरी झंडी मिलने के बाद इन अफसरों पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में नीति आयोग की पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ सिंधु श्री खुल्लर समेत चार पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों के खिलाफ पहली नजर में केस बनता है। सीबीसी ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से इन पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ जाँच को कहा है। क्या है आरोप? 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB ने INX मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए की रकम हासिल करने के लिए इजाजत दी थी। आरोप है कि इस मंजूरी में अनियमितता बढ़ती गई थी और इसके लिए रिश्वत दी गई थी। कुल्लर DEA में 11 अप्रैल 2004 से 11 सितंबर 2008 तक अतिरिक्त सचिव रहे। पुजारी DEA में 11 अप्रैल 2004 से 11 सितंबर 2008 तक अतिरिक्त सचिव रहे। पुजारी DEA में 29 सितंबर 2006 से 30 सितंबर 2010 तक जॉइंट सेक्रेटरी रहे। खुल्लर के अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी के खिलाफ भी सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। खुल्लर और पुजारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के अधीन काम कर चुके हैं। बाकी अफसरों में हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रमुख सचिव प्रबोध सक्सेना और DEA के पूर्व अंडर सेक्रेटरी रविन्द्र प्रसाद शामिल है। ये है मामला। 2007 में इंद्राणी को IPM इनकॉम प्राइवेट लिमिटेड में मुखिया बनाया। जांच एजेंसियों में पता चला कि उनकी कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदने में किया। 2009 तक इंद्राणी और पीटर ने साझा रूप में INX एग्जीक्यूटिव सर्च प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इसी साल पीटर ने अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ का लोन पास करवाया। कंपनी में इंद्राणी मुखर्जी की 99.9% हिस्सेदारी थी। कंपनी में कुल कैपिटल 10 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन 10 करोड़ का ही लोन मिल गया। सूत्रों ने बताया कि सीबीसी ने इन अधिकारियों की कथित भ्रष्टाचार में भूमिका की सीबीआई से जांच का रास्ता साफ कर दिया है। इसी मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी जांच का सामना कर रहे हैं। उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।